हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे मैक्रो टॉपिक 4, ISLM कर्व मॉडल एंड जनरल इक्विलिब्रियम बिटवीन गुड एंड मनी मार्केट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपकी आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। तो ISLM कर्व मॉडल, तो ये जॉन हिक्स ने दिया था 1937 में। ISLM कर्व मॉडल का क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन IS और LM। IS मतलब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग यानी गुड मार्केट एंड LM यानी मनी मार्केट। तो दोनों का इंटरसेक्शन है, इंटरेक्शन है गुड मार्केट एंड मनी मार्केट का। देन गुड मार्केट क्या होती है, ये इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? गुड मार्केट इक्विलिब्रियम होती है जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इक्वल होती है। तो एस इज इक्वल टू आई एंड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू आउटपुट। गुड्स से रिलेटेड है तो एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी? आउटपुट के इक्वल होगी। तो सेविंग हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो IS कर्व हमें किससे ड्राइव होगी? गुड मार्केट इक्विलिब्रियम से एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ये क्या है? मनी से ही पता चल रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। MS इज इक्वल टू MD। तो LM हमें यहाँ से मनी मार्केट से ड्राइव होगी। देन गुड मार्केट इक्विलिब्रियम, गुड मार्केट इक्विलिब्रियम तो सबसे पहले आ जाता है IS कर्व का डेरिवेशन। IS कर्व कहाँ से ड्राइव हुई है? तो वो कहते हैं वी सीक्स टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम। तो हमें नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम लाना पड़ता है। वो किससे आता है? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट किससे डिटरमाइंड होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, जिससे एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है, जिससे नेशनल इनकम में चेंज आता है। तो ये ही हमारा गुड मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो यही दिया हुआ है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, नेशनल इनकम इंक्रीज। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो क्या करते हैं लोग? अपने बैंक से पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि बैंक में हमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा पहले जितना। तो हमने अपने पैसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर दिए। तो इसीलिए क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड E0 से E1 देन E2 पे। तो जब ये बढ़ी तो हमारी इनकम भी बढ़ी है Y1 से Y2। तो IS कर्व हमें कहाँ से ड्राइव होती है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वन साइड वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम। जब हमने पॉइंट E0 से A पे आए, E1 से B पे, तो जब हमने सारे पॉइंट्स को मिलाया तो हमें IS कर्व मिल जाती है। इससे क्या पता लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से नेशनल इनकम बढ़ रही है, यानी ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। देन स्लोप ऑफ IS कर्व, अभी बताया ये डाउनवर्ड होती है लेफ्ट टू राइट, और ये नेगेटिव स्लोप होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट और इनकम इंक्रीज होती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होता है। देन IS कर्व का फ्लैट होना या स्टीप होना ये किस पर डिपेंड करता है? सेंसिटिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड साइज ऑफ मल्टीप्लायर। देन IS कर्व अगर फ्लैट होती है तो क्या होता है? फ्लैट का मतलब है कि वो इस शेप में होगी, ऐसे ऐसे होगी थोड़ी सी। तो ये इंटरेस्ट इलास्टिक है, इंटरेस्ट इलास्टिक मतलब थोड़ा सा चेंज आने से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होगा, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिक क्या होती है, इन इलास्टिक क्या होती है, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इंटरेस्ट इलास्टिक क्या है कि थोड़े से चेंज से ज़्यादा चेंज आ रहा है। देन साइज ऑफ मल्टीप्लायर इसमें लार्ज होता है। देन IS में भी स्टीप, स्टीप कैसे, ऐसे होगी थोड़ी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ दोनों ही जा रही है, बट वो फ्लैट और स्टीप में। स्टीप कब होगी? जब वो इन इलास्टिक होगी और लेस सेंसिटिव होगी और मल्टीप्लायर इसमें स्मॉल होगा। देन स्लोप ऑफ शिफ्ट इन IS कर्व, तो IS कर्व शिफ्ट कब करती है? तो IS कर्व शिफ्ट करेगी जब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा। ये याद कर लीजिए ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के चेंज होने से हमारी IS कर्व शिफ्ट करेगी। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? या तो इन्वेस्टमेंट होगी, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या कंजप्शन। अब ये क्या होता है, ये तीनों ही इनकम पे डिपेंड नहीं करते, ये अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट से ही पता चल रहा है, गवर्नमेंट के खर्चे है, प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जैसे डिडक्शन इन इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडिविजुअल,
एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से पता चल रहा है इनोवेशन, न्यू मशीन, प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, देन इंक्रीज इन ऑटो, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है इंक्रीज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर विल शिफ्ट आईएस ग्राफ टू द राइट। अब क्या किया हमने, क्या चेंज नहीं किया, इनकम नहीं चेंज करी ना हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट छेड़ा, बट हमने ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर चेंज किया। जब ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर चेंज होगा मतलब वो खर्चे इंक्रीज होंगे तो उससे आईएस कर्व हमारी राइट में चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब ये याद रखिए इधर साइड जाएगी तो राइट है, अगर पीछे आ रही है तो लास्ट है। तो और कैसे आ सकती है, अगर हमारी हम सेविंग कम कर देते हैं तो अभी आईएस शिफ्ट होती है राइट में और बाकी ये उल्टा जगह और वैसा वैसा, ठीक है। देन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले डेरिवेशन। अभी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जब डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में, तो हमेशा यही होगा डिमांड सप्लाई इक्वल होती है, और मनी है तो मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल होगी। इसको ड्राइव कहाँ से करते हैं, एलम कर्व को, ये मनी मार्केट से ड्राइव हो रहा है। तो एलम कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेशनशिप दिखाती है नेशनल इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट कैसा रिलेशन होगा। तो गुड मार्केट में कैसा रिलेशन था दोनों का, इन्वर्स रिलेशन था, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। देन बट इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू केन्स डिमांड फॉर, पहले हमें डिमांड फॉर मनी पता होना चाहिए। तो डिमांड फॉर मनी क्या है, ट्रांजेक्शन एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ये भी मैंने बता दिया है डिमांड फॉर मनी वाले टॉपिक में। तो MD हमारी टोटल डिमांड है, MT यानी ट्रांजेक्शन मोटिव है, और ये S मतलब स्पेकुलेटिव मोटिव है। अब ट्रांजेक्शन मोटिव इनकम पे है और स्पेकुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ट्रांजेक्शन डिमांड के एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी ट्रांजेक्शन मोटिव भी बढ़ेगा, और ये इन्वर्स होता है स्पेकुलेटिव वाला। देन स्पेकुलेटिव डिमांड के डिक्रीजिंग फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में, उनसे डिमांड फॉर मनी एंड क्वान्टिटी थ्योरी ऑफ मनी। देन मनी सप्लाई हमारी फिक्स होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी फिक्स करते हैं, तो हमारी LM कैसे डिराइव होगी, वो कहते हैं कि जब नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरसेक्ट करेंगे तब हमारी LM कर्व ड्राइव हो जाएगी। तो मनी सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, तो जब जैसे जैसे हमारी मनी डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ये राइट की तरफ जा रही है। तो जब हम ये इधर शो करेंगे, ये तो सप्लाई क्वान्टिटी ऑफ मनी है और यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम है, दोनों में ही लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, उसमें इन्वर्स था और इसमें डायरेक्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देन स्लोप ऑफ LM कर्व, स्लोप कैसे होती है, ये होती है लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट से राइट होती है बट ये अपवार्ड होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो ये LM कर्व हमारी टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इनकम, मतलब जब इनकम में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आया है। तो वो कहते हैं जैसे इनकम इंक्रीज होगी डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी, तो दिस एक्स्ट्रा डिमांड वुड राइज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि सप्लाई हमारी फिक्स है, जब इनकम इंक्रीज होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे पैसों की, ठीक है, ज़्यादा डिमांड करेंगे, बट सप्लाई फिक्स है तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कहते हैं अगर मोर इंक्रीज आए इनकम में तो वो LM कर्व हमारी स्टीपर है, और जब अगर लेस इंक्रीज आए इनकम में तो LM कर्व हमारी फ्लैटर है। तो आप स्टीपर और फ्लैटर यहाँ से देख लीजिए, ये जो ये यहाँ से लेके R1 से R3 है तो ये फ्लैट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, स्टीपर है, ठीक है, कि मोर इनकम है, ठीक है। देन सेकेंड आ जाता है इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो पहले क्या था, चेंज इन इनकम में चेंज आने से, देन सेकेंड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से। वो कहते हैं लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव। अब मैंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे MS स्पेकुलेटिव मोटिव है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये कहते हैं जब हमारी लोअर होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टीपर विल बी LM कर्व। तो मतलब कि इन इलास्टिक ही ले लो आप, कि स्पेकुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज आने से स्पेकुलेटिव मोटिव में चेंज नहीं आ रहा, तो हमारी ये क्या है, लोअर होगी इलास्टिसिटी और स्टीपर होगी LM कर्व। अगर हाई राइज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में देन फ्लैटर होगी हमारी कर्व, अगर लो राइज हो रहा है देन स्टीपर होगी कर्व। देन शिफ्ट इन LM कर्व,
तो इसके भी दो फैक्टर्स है एलएम कर्व की शिफ्ट होने में, फर्स्ट है चेंज इन मनी सप्लाई एंड सेकेंड है चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो फर्स्ट है चेंज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में कैसे, वो कहते हैं अगर हम मनी सप्लाई को ही इंक्रीज कर दे तो क्या होगा। अगर हम मनी सप्लाई को ही इंक्रीज कर देते हैं, गिवन डिमांड मनी मनी डिमांड विल लोअर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड शिफ्ट एलएम कर्व टू द राइट। वो कहते हैं अगर हमारी डिमांड को हम चेंज नहीं करते जबकि मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो हम आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे राइट में। तो कहते हैं सप्लाई हमारी इंक्रीज हुई है, एम डी यानी मनी डिमांड फॉर मनी हमारी कॉन्स्टेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स रिलेशन है। चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जब हमारी डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी, इनकम लेवल चेंज नहीं हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा क्योंकि हमारी सप्लाई फिक्स्ड है। तो इसमें क्या होगा, एलएम कर्व हमारी लेफ्ट की तरफ जाएगी। देन जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट। तो अभी मैंने बताया आईएस कर्व आईएस एलएम में, अभी मैंने दो चीजें समझाई, इनकम एक साइड होगा एक साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों में रिलेशन बता रहे हैं। अभी बताया ही था कि आईएस में क्या होगा, दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा और एलएम का हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो देयरफॉर इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे डिटरमाइंड होगी, इन दोनों कर्व से इंटरसेक्ट से होगी। तो इन रिलेशन ईच अदर सच दैट जो गुड मार्केट है वो कहाँ इक्विलेट करेगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू आउटपुट और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और मनी मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। तो आईएस कर्व आईएस एलएम कर्व मॉडल से हमें क्या क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन, मनी डिमांड फंक्शन, ये इस पे बेस्ड है क्वांटिटी ऑफ मनी चार्ट पे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ गुड मार्केट और मनी मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे हमने आउटपुट और इनकम ले लिया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ये हमारे एलएम कर्व, ये हमारी आईएस कर्व, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू आईएस एलएम कर्व के मॉडल वेरियस फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जॉइंट डिटर्मिनेशन, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को जॉइन करते टाइम। तो जब इन फैक्टर्स में चेंज आता है तो आईएस एलएम कर्व हमारी शिफ्ट हो जाती है और इक्विलिब्रियम लेवल चेंज हो जाता है। तो आईएस फंक्शन किससे चेंज होता है, या तो सेविंग फंक्शन में चेंज आता है या फिर इन्वेस्टमेंट में। ये क्यों, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से ही हमें इक्विलिब्रियम लेवल पता चलता है, और एलएम का सप्लाई एंड डिमांड, इसका तो सिंपल है। एंड फर्स्ट फैक्टर्स है हमारी ये, तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले क्या, ये मैंने बताया था कि ये कौन से खर्चे, ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब ये इंक्रीज होंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ऑटोनोमियस से कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जब सपोज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, गवर्नमेंट ने खर्चे करे, सपोज उन्होंने क्या किया, पार्क बना दिया, तो उस पर हम डिमांड करेंगे एंड इससे क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो इससे हमारी आईएस कर्व राइट में चली जाएगी यानी ऊपर चली जाएगी, ई से एच की तरफ। दैट इज बोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस। तो इससे क्या होगा, बोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। और वैसे उससे तो आईएस इंक्रीज हुआ, आईएस नहीं, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई और इनकम इंक्रीज हुई और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ और आईएस राइट में चलेगी, ठीक है। देन चेंज इन डिजायर टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब डिजायर टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में चेंज आ रहा है, तो व्हेन पीपल डिजायर टू सेव, मतलब जब जो लोग चाह रहे जो सेविंग होती है वो हमारी कम हो जाए या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज हो जाए, तो उससे क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जिससे हमारी फिर से अपवर्ड चली जाएगी। तो जैसे सेविंग कम हुई, कंजप्शन बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, तो देयरफॉर लेवल ऑफ नेशनल इनकम विल राइज एट ईच रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन थर्ड फैक्टर आ जाता है हमारा चेंज इन सप्लाई। अब सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो इफ सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज, मतलब सप्लाई इंक्रीज कर दी, वो सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर सकता है, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस सेम है, तो मोर मनी अवेलेबल होगी स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, इनकम सेम ही है, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा और लेवल ऑफ इनकम में चेंज आएगा जिससे एलएम कर्व लाइट चली जाएगी। कैसे है कि मनी सप्लाई बढ़ी तो स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ी, क्योंकि डिमांड तो वो ट्रांजेक्शन के लिए तो बढ़ी नहीं, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ी जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इनकम बढ़ गई और एलएम कर्व राइट में चली गई। तो यहाँ पे देखिए फिगर में,
ये इनसे जी में चले गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है। ठीक है, देन हमारा फोर्थ है चेंज इन डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर मनी, अब वो था सप्लाई में चेंज आ रहा है, अब डिमांड में चेंज आ रहा है कि लोगों ने डिमांड इंक्रीज कर दी, तो एलएम का कहाँ जाएगी, लेफ्ट में। ये कैसे करेंगे कि जब लोगों ने डिमांड कर दिया, सप्लाई भी एक्स्ट्रा, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और इनकम कम हो जाएगी। तो ये ई से टी की तरफ जाएंगे और वैसा वर्षा, ये सारे केस में उल्टा हो जाता है। ई से टी यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और इनकम कम हो गई, सप्लाई डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी, हो सॉरी स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड इंक्रीज, मनी सप्लाई कॉन्स्टेंट है, स्पेकुलेटिव डिमांड से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा और इनकम कम हुई। ठीक है, और एलएम कर्व हमारी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।